मकर संक्रांति पर संस्कृत भाषा में निबंध ऐसे ऑन मकर संक्रांति इन संस्कृत लैंग्वेज। मकर संक्रांति पर्व प्रतिवर्षम 14 जनवरी दिनांक की आचर्यते। ये इसकी फिक्स डेट है भैया, एक ऐसा फेस्टिवल है ये जिसकी डेट एकदम फिक्स रहती है, एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है लेकिन ये इतना फिक्स है कि जनवरी के महीने में ही आता है। इंग्लिश कैलेंडर में पहला एक फेस्टिवल है जिसकी डेट फिक्स है। बाकी रक्षाबंधन, दीपावली, इनकी हिंदी कैलेंडर है जो हिंदूज का कैलेंडर होता है उसके, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम आज फॉलो करते हैं, ईसाइयों का कैलेंडर है। मकर संक्रांति पर्व प्रतिवर्ष यानी जो मकर संक्रांति का पर्व है वो हर साल 14 जनवरी को आता है। मकर संक्रांति पर्व प्रतिदिनम मान्यते, पवित्र दिनम मान्यते। जो मकर संक्रांति का पर्व है वो पवित्र दिनम मान्यते, बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। अस्मिन् दिने गृहेषु तिलको लड्डू निर्मित्यन्ते, इस दिन घर में तिलक के लड्डू मनाए जाते हैं। एते लड्डू निर्धनेभ्यं दानं भवन्ति, ये जो लड्डू होते हैं ना इनको गरीबों को दान किए जाते हैं। तिलक गुड़म च बंधुसु वितरितम, तिल और गुड़ को मिला के लड्डू मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व किते पर्व इति उच्यते, ये जो पर्व है इसको किते पर्व भी कहते हैं। अब कई स्थानों में कह दिया जाता किते, अब ये मत कहना कि हमारे यहाँ नहीं कहते। अस्मिन् दिने बालकाः वृद्धाः च सर्वे ग्रहाणां छतौ पतंग उड़यन्ति, इस दिन बालक बालक बालिका बच्चा बच्चे सब लोग, वृद्ध यानी बूढ़े लोग, सभी लोग घर के छत पर चढ़ जाएंगे और मस्त पतंग उड़ाएंगे। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ इत्यादि नगरेषु अस्मिन् दिने बहु पतंगम, ये मेन जितनी भी सिटी इंडिया की सभी सिटी में मिलेगा, मैक्सिमम सिटी में मिलेगा, लेकिन मुंबई, अहमदाबाद, सूरत ये कुछ मेन सिटीज लिख दी गई कि यहाँ पे बहुत सारी पतंग आसमान में देखने को मिल जाएंगी इस दिन। अनेक नगरेषु पतंग उड्यान स्पर्धा भवति, बहुत सारे ऐसे नगर जहाँ पे पतंग उड़ाने की कंपटीशन स्पर्धा यानी क्या होता है कंपटीशन होता है, अपी भवति यानी कंपटीशन भी होता है। सत्यमेव मकर संक्रांति उत्साहीन उत्साहीन च परिपूर्ण अद्वितीय उत्सव, यानी कि सच कहें तो ये जो मकर संक्रांति है उत्साह से भर देने, एकदम नए नए साल की शुरुआत में आता है, उत्साह से भर देता है, परिपूर्ण कर देने वाले एक अद्वितीय यानी कि एक यूनिक फेस्टिवल है। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।